थैंक यू गाइज फॉर हैविंग मी हियर. अभी वो मोमेंट है धक 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 वाला. ओके सो आई विल स्टार्ट. तो आज मैं सुबह सुबह आया, मेरी फ्लाइट थी 8-10 की, मैंने दिल्ली से फ्लाइट ली. फ्लाइट में बैठा मस्त एकदम, बकल वकल लगा लिया, फ्लाइट टेक ऑफ किया. मिड वे मैंने स्लैब ऐसे खोला, नीचे स्क्रिप्ट रखी, आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट. मैं रिहर्सल करने लगा टेडएक्स की. साइड में एक लड़की बैठी थी, उसने बोला एक्सक्यूज मी, मतलब यस. उसने बोला एक क्वेश्चन पूछूं अगर आपको मतलब बुरा ना लगे तो. बोला हाँ प्लीज. व्हाट आर यू रिहर्सिंग फॉर? मैंने लगा आई हैव बीन इन्वाइटेड टू एन इवेंट. उसने बोला ओके व्हाट इवेंट? आई सेड टेडएक्स. उसने टेडएक्स? मैंने लगा या यार लेकिन एक बात बोलूँ. मैंने लगा हाँ यार, तुम्हें देख के ना लगता नहीं है कि तुम मतलब टेडएक्स स्पीकर हो, तुम्हारे अंदर से वो वाइब नहीं आ रही है. मैंने बोला ओके वाइब नहीं आ रही है. पूरी फ्लाइट में वो कुछ कुछ बोलती रही और मैं शांत था. वो मूवी में ऐसा सीन नहीं होता जैसे म्यूट हो जाता सब कुछ, एकदम वो हो गया था. मैं कॉन्टेम्पलेशन में चले गया कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ ये जगह, मतलब आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ. तो अगर आज मैं कोई भी गलती करूँ, मैं कहीं पर भी फंबल करूँ, तो दोस्तों ये जान लेना कि ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती उस लड़की की है जो मेरे साइड में बैठी थी. ठीक है. For those of you who know me, I am Kanishk Priyadarshi. I am 26 years old. I am an actor and anchor from Noida. And for those of you who don't know me, I am still the same guy. Identity thodi change ho jayegi. This is my fourth TEDx speech. So thank you so much TEDx for giving me this platform. And thank you to all the organizers. A big round of applause for all the organizers. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Mera phone aaya ki sir aapko trolling ke upar bolna hai. मैंने बोलना तो अपना काम है, बोल देंगे क्या दिक्कत है. लाइफ में ट्रोल होते हुए आ रहे हैं, पहले घर वालों ने किया, उससे ज़्यादा दोस्तों ने किया, उससे ज़्यादा रिलेटिव्स ने किया, उससे कुछ ज़्यादा लाइफ ने खुद कर दिया. लाइफ तो बचपन से ही ट्रोल करते आ रही है. मैंने बोला ओके ओके ठीक है. लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि जब मैं स्टेज पर आऊँगा तो मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करनी है. मैं गया अपने दोस्त के पास जिसका नाम है गूगल. मैंने गूगल व्हाट इज ट्रोलिंग, हु इज़ अ ट्रोल? गूगल ने बोला ब्रदर ट्रोल is a creature which is ugly, it can be a giant or a dwarf. मतलब गूगल सुन, ये वाला ट्रोल मैं जाके बोलूँगा ना तो जूते मार रही है मेरे को, समझ बात को. मेरे को बता इंटरनेट ट्रोलिंग क्या होती है. धड़ 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 आर्टिकल्स आ गए, वीडियोज आ गए. मैंने आर्टिकल्स देखे, मैंने वीडियोज देखे. मेरे को पता था ट्रोलिंग के बारे में, बट आई वॉन्टेड टू नो वॉट एग्जैक्टली ट्रोलिंग इज, है ना, ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे इंटेलेक्चुअल हूँ. मैंने अपनी रिसर्च करी उधर, बट आई वॉजन सेटिस्फाइड. आई वॉन्टेड टू गो डीप. मैं अपने ऑफिस में लोगों के पास गया, मतलब दोस्तों तुमको क्या लगता है ट्रोलिंग क्या है, ट्रोल कौन होते हैं? उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला हम उनसे हर रोज मिलते हैं. मतलब ओके हमारे रिलेटिव्स होते हैं. मतलब ओके, मजे की बात यह है कि मैं, मेरा काम इज टू फीचर इन वीडियोज एंड इट इज वेरी रेयर फॉर अ पर्सन टू फीचर इन लॉट ऑफ वीडियोज एंड नॉट गेट ट्रोल्ड. मतलब मेरे को कोई ट्रोल ही नहीं करता. टचवुड जो वीडियो देख रहा है, ट्रोल डोंट ट्रोल मी, लेट्स बिकम फ्रेंड्स ब्रदर, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड. बहुत सारे ट्रोल्स ऐसे देख रहे होंगे, तेरे को कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया, मैं ट्रोल कर रही. मेरे पास एक मैसेज आया कि कनिष्क तुझसे घटिया एंकर मैंने लाइफ में नहीं देखा, तेरी ओवर एक्टिंग इतनी है. मैंने ओके okay, आज मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका हूँ, आज मेरा पहला हेटर है. उसके बाद उसका रिप्लाई आया ब्रो मैं सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कर रहा था, आई एम अ बिग फैन. इसका मतलब क्या है, वॉट इज द पॉइंट ऑफ इट? सो ऑन अ सीरियस नोट, ट्रोलिंग इतनी सारी रिसर्च के बाद मुझे पता चला, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना ए बी सी डी, जो टी लेटर है वो एक बार पहाड़ पे गया और वो वहां से गिर गया और वो आज तक गिर रहा है. टी ऐसे ऐसे जहर जोक मैं मारते रहूंगा तो प्लीज मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहेगा. ऑन अ सीरियस नोट, वॉट ट्रोलिंग इज, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, ट्रोलिंग एक ऐसा एक्शन है इंटरनेट के ऊपर. आप कभी भी अगर कोई पोस्ट डाल रहे हो या कोई वीडियो डाल रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो और उसमें कोई एक आदमी आ जाएगा, भाई तेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को पता है, ये दे 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 दे। जो गालियां वालियां पड़ती हैं, जो गालियां देते हैं, वो ट्रोल्स होते हैं. ट्रोल्स का ऑक्सीजन जो बेसिकली है ना, इट इज़ योर अटेंशन, दे वॉन्ट योर अटेंशन. उनको अटेंशन मत दो. वो बच्चे देखे तुमने जो बहुत अनोइंग होते हैं, मम्मी मम्मी मेरे को ये दिला दे, मम्मी मेरे को ये दिला दे. और मम्मी एक बार दिलाया ठीक है, दो बार दिलाया ठीक है, तीन बार दिलाया ठीक है. वी आर द पेरेंट्स, इफ वी रिप्लाई टू देम नो, हम वो पेरेंट बन जाते हैं और हम उनको तो खराब कर ही रहे हैं, हम अपने आप के लिए भी गलत कर रहे हैं. डजंट मेक सेंस?
Yeah. Ekbari, so how to deal with trolls? It's very easy. First of all, you ignore them. Ignore the trolls. Kai trolls bahut smart hote hain. बहुत स्मार्ट होते हैं, उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इतनी नेक्स्ट लेवल होती है. अगर मैं अपने आपको 24 घंटे देखूँ ना वीडियो पे, तो भी मैं वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा जो ये एक वीडियो में देख लेते हैं. मतलब आई थिंक दे आर स्मार्ट पीपल हुव थॉट अबाउट लाइफ वे टू मच. कुछ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ उसका, मतलब ऐसा भेजा उनका माथा घूम जाता है कि क्या बताऊँ. कभी कभी समझ नहीं आता कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो जोक क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो जोक्स बहुत पसंद है. ऐसा कनिष्क बीप 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 चिकने तेरी दाढ़ी नहीं आती, एक्ने से तेरे शक्ल पे धब्बे हैं, तेरे रिसीडिंग हेडलाइन है. मतलब ओके आगे जोक कहाँ है? ये तो स्टेटमेंट है, ये मेरे को पता है, मैं अपने साथ पैदा हुआ हूं, आई नो दिस, वेयर इज द जोक. तो यू कैन ऑल्सो डील विद ट्रोल्स विद ह्यूमर और यू कैन स्टेट फैक्ट्स. लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, कभी कभी ये सीरियस इशू बन जाता है. अगर ये सीरियस इशू बन जाए, उनको सीधा बोलो. उनकी मेन स्ट्रेंथ इज बेसिकली देयर एनोनिमिटी. उनको ये लगता है कि वो स्क्रीन के पीछे हैं तो उनको कोई नहीं जानेगा. उनको बोलो बेटा एक चीज होती है साइबर, हाँ साइबर क्राइम को कौन पकड़ता है? साइबर सेल. साइबर सेल धर लेगा वहीं सीन. या मैं, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं टेडएक्स पे आके ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी क्यों करने लगता हूँ. इनको भी समझ नहीं आता, ये भी रिमोट का कुछ कर रही. ओके, जब मैं पॉइंट भूल जाता हूँ ना, तो मैं ऐसे डिवेट करता हूँ. वो आपका अटेंशन चाहते हैं, देयर ऑक्सीजन इज दे फीड ऑफ ऑफ योर अनहैप्पीनेस. एक रिसर्च करी थी एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी ने, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, वो बहुत रिनाउंड है, तो मान लो कि उसकी जो रिसर्च है वो सही होगी. तो उनकी रिसर्च के हिसाब से ये पता चला था कि मोस्ट ऑफ द ट्रोल्स, उनके अंदर डार्क ट्रेट्स होते हैं. साइकोपैथी क्या क्या बोलते हैं? साइकोपैथी, हाई लेवल्स ऑफ नार्सिसिज्म, हाई लेवल्स ऑफ सेडिज्म. सेडिज्म क्या होता है कि यू मतलब तुमको किसी और को हर्ट पहुंचा के अच्छा लगता है. अब जो बंदा ऐसा है उसके साथ क्या कर सकते हैं? तेरे को अच्छा लग रहा है तो प्लेटफॉर्म में मत दो. एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अपने को मछली चाहिए ही नहीं लाइफ के अंदर, इसे निकाल के बाहर फेंक देने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गिव देम अटेंशन, डू नॉट रिप्लाई टू देम. अगर कभी कभी ऐसा सीन होगा कि आपके साथ ना सीन सीरियस हो जाएगा, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, वो दूसरा अकाउंट बनाएगा. अब उसको ब्लॉक कर दोगे, वो तीसरा अकाउंट बनाएगा. अब उसको ब्लॉक कर दोगे, वो चौथा अकाउंट बनाएगा. ऐसे ही एक लड़की के साथ एक बार हुआ, उसको एक आदमी बहुत अजीब अजीब मैसेजेस भेजने लगा. उसने ब्लॉक किया दो बार, तीन बार, चार बार. उस बंदी ने बोला आई विल रिपोर्ट यू टू साइबर क्राइम, साइबर सेल. उस बंदी ने बोला दीदी प्लीज़ मेरे बच्चे हैं, मेरे को छोड़ दो. उसने बोला नहीं, अब तू बचेगा नहीं. उसने तीसरे अकाउंट से बोला, उसने फिर ब्लॉक कर दिया. चौथे अकाउंट से बोला, उसने फिर ब्लॉक कर दिया. उस लड़की ने बोला तेरे को बचना है? उसने बोला हाँ. ये है कश्मीर के लिए डोनेशन, इसमें पैसे डाल. उसने $500 डाल दिया. तो इट इज़ अलग अलग सिचुएशंस में आपको देखना पड़ेगा कि कैसा आप डील करेंगे. बहुत सिंपल है यार, देखो इंटरनेट इज़ अ शेयर्ड स्पेस. हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ये जाना कि क्या सही है क्या गलत है. पहले के टाइम पे 2010 में कई चीज़ें ऐसी थी जो हम शायद बोल सकते थे, जो आज हम नहीं बोल सकते. इफ़ यू डोंट नो इट इज़ ओके, बट यू शुड रीड अबाउट इट. टाइम के साथ आपको सोसाइटी के साथ चेंज होना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज विद द सोसाइटी. सो दिस वॉज माई सिंपल टेड एक्स टॉक. ज्यादा लंबा बोला नहीं मैंने, सिंपल है. डजंट मेक सेंस? ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है डू नॉट लेट देम अफेक्ट यू इन एनी वे. इतना सारा आप घंट, मेरे को आर्टिकल्स का पता नहीं है, पोस्ट का पता नहीं है, बट वीडियो में ना बहुत मेहनत जाती है. इधर लाइट लगती है, पहले लाइट सेट होता है, फिर साउंड सेट होता है, फिर आपका मेकअप होता है, उसके बाद आप बैठते हो. 4 घंटे शूट चलता है, दूसरा पैर आता है, बहुत शूट चलता है, एक दिन पूरा शूट चलता है. एडिटिंग में 3-4 दिन लग जाते हैं, और फिर एक बंदा कमेंट करता है ये वीडियो तो घटिया है, ये तो सड़ी है. अला ओके, अब इट इज़ अप टू यू. देखो 10 कॉमेंट्स आएंगे जिसमें से 9 अच्छे होंगे और 1 बुरा होगा, और वो जो 1 होता है ना वो दिल को चुभता है. बट इट इज़ ऑलवेज अप टू यू टू चूज आप कौन से कॉमेंट के साथ जा रहे हो. मेक सेंस? सो ऑलवेज प्लीज चूज द 90% ऑफ दोज पीपल एंड 10 को किक करके बाहर फेंक देने का. रिएक्शन से लग रहा है कि काफी अच्छा टेडएक्स दे रहा हूं मैं. सो थैंक यू सो मच. एंड एक और लास्ट पॉइंट, मेरे पास बार बार पॉइंट्स आ रहे हैं. एक पॉइंट ये है कि वन शुड नॉट कन्फ्यूज ट्रोलिंग विद क्रिटिसिज्म.
क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है. अगर मैंने कोई वीडियो डाली, किसी इंसान ने मुझे बोला कि कनिष्क आई डू नॉट लाइक दिस वीडियो बिकॉज इसमें ये प्रॉब्लम था, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, वेरी गुड, आई एक्सेप्ट इट, आई विल प्रमोट यू, आई रियली लाइक यू. वो बोलेगा भाई ये बंदा तो बहुत सही है, और तुम्हें पता क्या मिल गया, एक और फॉलोअर. वो बोलेगा ये बंदा कितना हम्बल है, वाओ. तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज क्रिटिसिज्म विद ट्रोलिंग, डोंट गिव देम अटेंशन. अगर ज्यादा हो रहा है तो BLOCK, ब्लॉक देम, या फिर साइबर सेल को आप और भी सीरियस केसेस में कंसिडर कर सकते हैं, ह्यूमर के साथ टैकल कर सकते हैं, या फिर फैक्ट्स के साथ टैकल कर सकते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच बाय सेइंग प्लीज शेयर लव, स्प्रेड लव, एंड स्प्रेड माई इंस्टाग्राम हैंडल विद योर फ्रेंड्स. कनिष्क प्रियदर्शी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.